दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काल भैरव साधना के बारे में कि कितनी ज़्यादा यह शक्तिशाली साधना है और कौन कौन सी सिद्धियों की कौन कौन सी शक्तियों की उस साधक को प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान काल भैरव को भगवान शिव का ही उग्र स्वरूप कहा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचंड कहे जाते हैं, खास करके जिन लोगों के जीवन में शत्रुओं की समस्याएँ हों। अब शत्रु किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कर्ज की समस्याएं, धन की समस्याएं, कोई बाहर से कोई व्यक्ति परेशान करता हो, कोई आस पड़ोस में परेशान करता हो, तो यह जितनी भी चीज़ें होती हैं ये काल भैरव की कृपा से बहुत तेज़ी से ठीक होती हैं और काफ़ी ज़्यादा उस व्यक्ति को शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके, क्योंकि भगवान शिव को ही मंत्र विज्ञान का गुरु कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के पास भगवान शिव की कृपा ना हो तो अगर वह कितने ही मंत्रों का जाप कर ले, कोई भी मंत्र उसके लिए कार्य नहीं करते हैं। इसलिए जिन लोगों के गुरु नहीं होते हैं तो केवल भगवान शिव को ही गुरु मानकर भी अगर वे साधना करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति उन्हें होती है। आपको ये भी बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करता है, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी बार आपको बताया भी है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के चक्र होते हैं, मुख्यतः ये 7 चक्र होते हैं और ये आसपास के वातावरण के कारण वाइब्रेट होते रहते हैं। जैसे कि अगर आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल नेगेटिव है, आप गलत लोगों के आसपास रहते हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं होती है और बिल्कुल लड़ाई झगड़े में कलेश में ही वह यकीन करते हैं, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का चक्र भी वाइब्रेट करने लग जाता है और उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर सही एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, तो इससे उस एनवायरनमेंट का फर्क चक्रों पर पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपना एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते हैं, तो आपको दोस्तों बता दें कि मंत्र विज्ञान में मंत्र इस प्रकार से कार्य करते हैं कि जो आपके चक्रा हैं वो अच्छी तरह से वाइब्रेट करते हैं, और जब सही से वाइब्रेट करते हैं तो इंसान की सारी बीमारियां दूर होने लग जाती हैं, उसके जीवन के सारे कष्ट बिल्कुल दूर होने लग जाते हैं, धन की उसे प्राप्ति होने लग जाती है। और खास करके काल भैरव की जो साधना होती है वो साधक के अंदर इतना प्रचंड रूप को जागृत कर देती है। खास करके ये जो साधना होती है मूलाधार पर सबसे ज़्यादा असर डालती है, और मूलाधार पर जब स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होती है और असर डालता है, तो वह व्यक्ति बिल्कुल निडर होने लग जाता है। और अगर वह अपने शत्रु की आंखों में आंखें डालकर अगर गुस्से से देख भी लेता है तो बिल्कुल गारंटी की बात है कि अपने शत्रु को बिल्कुल बुखार जैसा चढ़ा सकता है। और आपने खुद भी काफ़ी लोगों को ऐसे देखा होगा कि उनकी आंखों में एक इस प्रकार का तेज होता है, कुछ अजीब सी उनकी आंखों में शक्ति होती है कि अगर वह गुस्से में देख ले तो सामने वाले का दिल बिल्कुल दहल सा जाता है। बल्कि अगर गुस्से में भी ना देखे, वैसे ही देखे, तो शत्रु के मन में हलचल उत्पन्न हो जाती है और वह शत्रु बिल्कुल सामने आ ही नहीं पाता है। इस प्रकार की जो शक्ति होती है काल भैरव की साधना से प्राप्त होती है। ये सबसे मुख्य और सबसे बेसिक सी चीज़ है जो हर एक साधक में निश्चित ही आ जाती है। तो जो लोग डरते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो काल भैरव की साधना करने मात्र से उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा शक्तियों का संचार होने लग जाता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर उस साधक का कोई भी शत्रु हो, चाहे कर्ज की समस्याएं हो, चाहे और कोई भी समस्याएं हो, किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु हो सकता है, बाहर से कोई परेशान कर रहा हो, जैसे आपका कोई बॉस परेशान कर रहा हो, कई महिलाएँ कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि अपने घर से ऑफिस जाती हैं और इस रास्ते के बीच में कई मनचले कई बेकार लोग उन्हें परेशान करते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर वह लड़की काल भैरव साधना करती है तो सामने वाले के मन को परिवर्तित कर सकती है। काल भैरव की साधना करने से सामने वाले व्यक्ति के मन को परिवर्तित किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि शक्ति बाहर के शरीर में नहीं होती है, शक्ति अंदर की आत्मा में होती है। और आपने खुद भी काफ़ी लोग ऐसे देखे होंगे कि दिखने में तो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनमें इतना गजब का कॉन्फिडेंस होता है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को, मोटे ताजे व्यक्ति को, हष्टपुष्ट व्यक्ति को भी वह डरा देते हैं। तो बाहर के शरीर में कोई भी ताकत नहीं होती है, जो ताकत होती है वह अंतर आत्मा में होती है। और काल भैरव का जो मंत्र होता है उस साधक को इतना ही प्रचंड बना देता है कि अगर वह सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कुछ भी बोले, कुछ भी उसका मन परिवर्तित वह बड़ी आसानी से कर सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो काल भैरव की साधना करते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज़ भी काल भैरव की साधना करने वाले साधकों के लिए मुश्किल नज़र नहीं आती है। वह कहीं भी अकेले ही कई सेना के बराबर वह हो जाते हैं।
काल भैरव के मंत्रों को जाप करने मात्र से उस व्यक्ति को एक ऐसी अजीब सी भी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि सामने वालों को देखकर उनके मन के हाव भाव भी वह जानने लग जाता है, और काफी बार तो ऐसा होता है कि उनके मन की बात भी जानने लग जाता है। लेकिन उसके लिए एक अलग ही प्रोसीजर होता है। आपको बता दें कि काल भैरव की साधना के साथ अगर तराटक साधना भी चली जाए, यानी कि उसी के साथ करी जाए, तो ऐसे साधक के लिए इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल हो। आपको ये भी बता दें कि पुराने जमाने के जो लोग थे उनको काल भैरव साधना के, काल भैरव के काफी मुख्य पॉइंट मालूम थे। इसीलिए आपने पहले के जमाने में ये चीज देखी होगी कि कहीं भी मोहल्ला होता था, कोई गली होती थी, तो एक गली में कोई ना कोई छोटा मंदिर जिसे शिव रूप में समर्पित किया जाता था, वो इसीलिए बनाया जाता था जिससे वहां पर रह रहे लोगों पर भूत प्रेत का कोई असर ना पड़ सके, कोई नेगेटिव शक्तियां उनके गली में ना आ सके, कोई मोहल्ले में ना आ सके। और आज भी काफी जगह ये चीजें बनाई जाती है, वहां पर शिव का स्वरूप कोई ना कोई रखा अवश्य ही जाता है, और खास करके काल भैरव का जरूर रखा जाता है, जिसमें 64 भैरव यानी कि स्थान भैरव और कई प्रकार के भैरव होते हैं, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। जो इस प्रकार के छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, ये स्थान भैरव के रूप में बनाए जाते थे, जिसमें शिवलिंग रख के, कोई छोटी छोटी त्रिशूल या शिव जी की मूर्ति रख के इस प्रकार मंदिर बनाया जाता था, और जो इनको प्राण प्रतिष्ठित करता था वो काल भैरव के मंत्रों द्वारा ही करता था। तो ये भी हमने आपको बता दिया है, ये इसीलिए बनाया जाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि काल भैरव को इसीलिए स्थापित किया जाता है कि अगर उस जगह पर कोई नेगेटिव शक्ति या कोई कष्ट या कोई संकट आने वाला हो तो वह मिट जाए। तो इसीलिए जो व्यक्ति काल भैरव के मंत्रों का जाप करता है या कभी भी अपने जीवन में उन्होंने काल भैरव की साधना करी है, तो उसे किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, बिल्कुल अचानक से जो होती है वो चीजें उसके जीवन में नहीं होती है। कोई बड़े से बड़ा शत्रु भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो वह खुद ही हार कर घुटने टेक कर चुपचाप निकल के चला जाता है, क्योंकि अगर बड़े से बड़ा शत्रु भी उस व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाए तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इतनी ज़्यादा चीज़ों की प्राप्ति काल भैरव के मंत्रों से प्राप्त होती है। और भगवान काल भैरव का मंत्र जो है वह भी बहुत छोटा सा है। इस मंत्र को जब भी कोई व्यक्ति जाप करता है, जैसे कि अगर उसके सर में दर्द हो रहा हो, आँखों में दर्द हो रहा हो, तो केवल इस मंत्र के जाप मात्र से ही उस व्यक्ति के सर का दर्द तुरंत गायब होता है। और इस चीज को आप खुद स्वयं करके देख सकते हैं कि जब भी आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो तो इस मंत्र का जाप करें, ओम भ्राम काल भैरवाय फट स्वाहा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान सा ये मंत्र है। इस मंत्र को जाप करने से उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जाओं का संचार होने लग जाता है। आपको ये भी बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति के सर में दर्द होता है तो दरअसल उसके सर में दर्द नहीं होता है, कहीं ना कहीं अपने को वह कुछ कमजोर रूप से महसूस करता है, किसी चीज की कमी को महसूस करता है, किसी परेशानी से डरता है, किसी स्थिति से कि ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उस चीजों से डरने के कारण उसके सर में दर्द होने लग जाता है। सर का दर्द जो होता है बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक रूप से कार्य करता है। तो अगर वो व्यक्ति काल भैरव के मंत्रों का जाप करता है, तुरंत उसके सर का दर्द ठीक हो जाता है, उसकी आंखों में तेज आ जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया है, शत्रु चाहे कैसा भी हो, हर प्रकार का शत्रु उस व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है, चाहे कर्ज की समस्या हो, क्योंकि कर्ज भी एक प्रकार का शत्रु ही है। तो कितने ज्यादा लाभ काल भैरव साधना के, मंत्र के मिलते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। अब ये आप जान लें कि कौन कौन इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ब्रह्मचर्य का पालन होना बेहद आवश्यक होता है। जब भी कोई मंत्र का जाप, कोई मंत्र साधना आप करते हैं तो ब्रह्मचर्य अवश्य ही पालन किया करें। दूसरी चीज ये है कि किसी भी व्यक्ति को बुरा भला या किसी को बुरा करने के लिए कभी भी कोई साधना ना किया करें, क्योंकि ये जो साधनाएं होती हैं यह जग कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए की जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि इन्हीं चीज़ों को दूसरों का बुरा करने के लिए करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त हो, सफलताएं मिलें और आप आगे बढ़ते चले जाएं, जो आप मेहनत करेंगे, साधना मंत्र का जाप करेंगे, वो शक्ति आपके पास जीवन भर बनी रहे, तो कभी भी किसी का बुरा बिल्कुल भी ना सोचें। वैसे तो भगवान काल भैरव की साधना करने के लिए गुरु का होना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव मूलाधार पर पड़ता है। लेकिन अगर बेसिक साधना आप करना चाहते हैं तो वो तो यूं ही करी जा सकती है, क्योंकि काल भैरव भगवान शिव का यानी कि गुरु का ही स्वरूप है। काल भैरव की जो एडवांस साधना होती है वो गुरु के बिना बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इस साधना में, इनके मंत्रों के जाप में इतनी शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो भटकती रहती हैं, जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, किसी कारणवश मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, तो
इस साधना को करने मात्र से उन लोगों को मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति एडवांस साधना करता है तो तुरंत उसके बुरे कर्मा कटने लग जाते हैं और अच्छे कर्मा बढ़ने लग जाते हैं, यानी कि उसके जीवन में अच्छे प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इतना ही ज़्यादा एडवांस लेवल का फायदा मिलता है और इसी चीज़ को ये बुरी शक्तियाँ जो होती हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो वे चुराने की कोशिश करती हैं। तो आप एडवांस साधना तो बिल्कुल भी ना करें, गुरु के बिना तो बिल्कुल भी ना करें जिसको इसके बारे में ना पता हो। बस बेसिक साधना आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है, रोज 5 माला भी अगर कर लेते हैं तो इससे भी काफ़ी लाभ की प्राप्ति होती है। जितने लाभ हमने आपको बताए हैं तेजी से प्राप्त होते हैं। अगर आप किसी और साधना के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आने वाले वीडियोस में उन साधनाओं के बारे में, मंत्रों के जाप के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आप में पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है और पूर्ण भक्ति है काल भैरव के प्रति, तब आपको किसी भी चीज़ से भी डरने की जरूरत नहीं है, तब आप एडवांस साधना भी कर सकते हैं और कोई भी हानि नहीं हो पाती है। अगर आप में भक्ति है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भक्ति और विश्वास जिस व्यक्ति में है वह अपने आप ही सबसे दुर्लभ हो चुका है और अब वह कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें मुख्य होती है, ये मुख्य बातें इस वीडियो में हमने आपको बताई है। बेसिक आप कर सकते हैं, ओम ब्राह्म काल भैरवाय फट स्वाहा।